नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एससी कैंपस में। आज 11 दिसंबर 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूं मैं आज आपके साथ। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जोजी बेनी टूनजी, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी मेडिसन एंडरसन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए जोजी बेनी टूनजी। दोस्तों ये हमारे दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की हैं। प्रियंका चोपड़ा को जो है सन 2000 में मिस वर्ल्ड चुना गया था और आपकी जो है 2017 में मानुषी छिल्लर को भी मिस वर्ल्ड चुना गया था। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारत और म्यांमार के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का 18वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नेपिडा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी यानी नई दिल्ली। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राष्ट्रपति ने किस क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए नर्सिंग, ऑप्शन बी स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन सी महिला वैज्ञानिकों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए नर्सिंग। दोस्तों हमने अपने पहले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन किया था कि राष्ट्रपति ने कौन सा अवार्ड दिया है, तो उसका आंसर था राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। दोस्तों आज ये क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसे हाल ही में 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नेहा दीक्षित, ऑप्शन बी मनीषा कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी यानी मनीषा कुलश्रेष्ठ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटेंगल, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरेंस नाइटेंगल। दोस्तों ये फ्लोरेंस नाइटेंगल जो है एक महिला है जिनके अंदर दया का भाव जो है बहुत ही अधिक है। दोस्तों ये जो सरोजनी नायडू जी हैं इनको भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, भारत की कोकिला, कोकिला यस। और हमारा जो सी है यानी सी निर्मला सीतारमन, दोस्तों ये हमारे भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री है, ये महिला रक्षा मंत्री है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए 129, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 139 एंड ऑप्शन डी इज 147। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी 129। दोस्तों हमारा जो देश है वो पिछले साल 130 पर था, लेकिन इस साल जो है ये इसने एक साल ये कम हो गया है यानी 129 हो गया है ये। और साथ ही दोस्तों ये जो हमारा मानव विकास सूचकांक यानी जिसे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, ये आपका UNDP जो है वो जारी करता है। पाकिस्तान 2019 में 147वें नंबर पर है, ये पहले जो है 50वें नंबर से अब 147 नंबर पर आया है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। विश्व के अग्रणी पर्यटन खेल स्थल के रूप में किस स्थान को चुना गया है? ऑप्शन ए आबू धाबी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए यानी आबू धाबी। दोस्तों ये जो आबू धाबी जो है ये हमारा विश्व का जो है अग्रणी पर्यटन खेल स्थल चुना गया है, ये WTA के द्वारा चुना गया है। और यहाँ पर जो है जैसे फॉर्मूला रेस, आपका फॉर्मूला रेस या ऐसे जो मैराथन वगैरह जो होते हैं या टेबल टेनिस के जो गेम वगैरह होते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुए हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही हम आपके सामने और डेली के करंट अफेयर लेते आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।